प्रसिद्ध समाज सेवी और व्यवसायी विजय शुक्ला द्वारा अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती श्यामला देवी की स्मृति में संकलित पुस्तक विचार पुष्पजलि पुस्तक का विमोचन भव्य कार्यक्रम के बीच मुंबई स्थित मलाड पश्चिम केडीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में पूर्व राज्यपाल राम नाईक के हाथों किया गया। इस दौरान जगतगुरु स्वामी श्री शिव रामाचार्य जी, पूर्व राज्य मंत्री व विधायक विदा ठाकुर, विधायक रविंद्र वायकर, समाज सेवक राम कुमार पाल, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, पूर्व उप महापौर अरुण देव, पूर्व उप महापौर दिलीप पटेल, पूर्व नगर सेवक दीपक ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। लिखने से ज्यादा बेहतर होता है कि किस प्रकार से आप अपनी बातें कहते हैं, जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं देख रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। क्या आपने उसको बुक को पूरा पढ़ लिया था या क्या कुछ कहना चाहेंगे उस संदर्भ? मैंने यह जो किताब है और विचार पुष्पांजलि, इसके नाम से लेकर और पहले शब्दों से ये जो किताब है बिल्कुल खोलने के बाद बीज उनके पत्नी का छाया चित्र है, और इसलिए यह जो एक किताब की रचना में सुझाव होते हैं ऐसे सुझाव भी मैंने दिए। अब इसमें देखिए श्रावण मास को लेकर कई प्रकार के विचार हैं तो उसमें मैंने कहा भाई क्रमांक दे दो, 1 2 3 4, क्योंकि संदर्भ जब देते हैं किसी को तो तुरंत एक पेज क्रमांक और ऐसा शीर्षक जो होगा तो बताना लाभदायक होता है। इसके लिए जिसका प्रेजेंटेशन हम कहते हैं वो तो प्रेजेंटेशन इस किताब का अच्छा है, लिखा हुआ बात जो है वो तो अच्छा ही है ही, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, और इसलिए ये किताब आम आदमी ने पढ़ना चाहिए। प्रकार का बुक है, अगर आपने पढ़ा होगा और कुछ शेयर करना चाहेंगे बुक के बारे में, किताब के बारे में? पूरी किताब तो पढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा और हमारे अतिथियों के मुंह से जो सुना उससे बड़ा अच्छा लगा। मेरा अपना ये मानना है कि ये किताब जो है समाज को एक नई दिशा देगा, पति पत्नी के बीच के रिश्तों को किस ढंग से जीना, रिश्तों को किस ढंग से सुदृढ़ बनाना, सम्मान करना, किस ढंग से पारिवारिक सुख बनाए रखना बढ़ाना, ये बड़ा ज्ञान देगा, एक पथ प्रदर्शक बन के आएगा। पति और पत्नी का परिवार में एक दूसरे के लिए, बच्चों के बीच में क्या महत्व होता है, एक पत्नी उसका कितना अहम रोल होता है पति के जीवन में, एज अ मदर, एक सास के रूप में, उन सब चीज़ों के बारे में यह पुस्तक लोगों को एक राह दिखाएगा। आज का समाज जिस ढंग से राह से काफ़ी भटक गया हुआ है उनको नया राह दिखाएगा, और मेरा ये मानना है कि यह पुस्तक जो है समाज के लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को किस ढंग से मधुर बनाना बनाए रखना,
उन सबके लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगा। विजय शुक्ला जी के इस पुस्तक जो लिखने जो उन्होंने लिखा हुआ है और जो समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा और हमारी भाभी श्री की को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक पुष्पांजलि के विषय में दो शब्द यही कहना चाहता हूं कि नारी और पति, पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते होते हैं कैसे होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, किस तरह से उन्हें संभाला जाता है, किस तरह से उनको लेकर हम चलते हैं, आज की पीढ़ी को यह पुस्तक पढ़कर प्रेरणा लेना चाहिए और अपने परिवार अपने पत्नी के साथ इसी तरह रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहकर मैं श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज विजय जी की पत्नी का विचार बुक यहाँ पे विजय जी मिश्र शुक्ल जी का जो ये विचार पर निकाला गया पुष्पांजलि, उसमें उन्होंने एक नारी के प्रति आदर्श लिखा, उम्रयादित आदर्श, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति नारी ही एक ऐसी झोरी है जो नर को गलत रास्ते से बचा सके, पतनाते सह पत्नी, जो पतन से बचा ले, गिरने से बचा ले, वही नारी। और ऐसी ही नारी श्यामला जी थी जो विजय श्याम को सुपथ पे ले आई और इतनी बढ़िया मार्ग बनाया कि आज विजय श्याम हो गए। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब नारियाँ श्यामला देवी का नकल करें, तभी हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। कुमार यादव, थाने महानगर पालिका में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम में पुष्पांजलि विजय शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक सचमुच समाज के लिए एक अलग स्थान रखती है। पति और पत्नी रथ के दो पहियों के समान होते हैं, यदि एक पहिया उसमें से बिछुड़ता है तो थोड़ी सी तकलीफ केवल मैं यहाँ पे विजय जी को ही नहीं कहूँगा, पूरे समाज को होती है। लेकिन उन्होंने उस भावनाओं को पुस्तक के माध्यम से जो रखा है वह समाज के लिए एक अग्रणी चीज़ है, उसे लोग सीख लेंगे और नई पीढ़ियाँ उससे कहीं अधिक सीखेगी और पति और पत्नी के प्रेम को बना के रखेगी। इतना कह के मैं उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ओम नमस्कार। देखिए, ये विचार पुष्पांजलि जो है ये बेसिकली एक आध्यात्मिक बुक है। आध्यात्मिक का अर्थ ये नहीं है कि वो उसमें जनरल लोग पढ़ नहीं सकते, ये सर्व सामान्य जनता के लिए एक इतना सरल शब्दों में लिखा गया बुक है जो बच्चों से लेके नौजवानों से लेके और अपने प्रौढ़ लोगों तक पढ़ सकते हैं। इसमें हर ढंग का लेख लिखा गया है और मोटिवेशन बुक भी है, इसमें मोटिवेशन चैप्टर भी है कि व्यापारियों को कैसा अपने जीवन में रहना चाहिए, विद्यार्थियों को कैसे रहना चाहिए, आप अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो आपका रोल अपने परिवार में कैसा होना चाहिए, हर चीज़ों को धार्मिक कैसे होना चाहिए, सब चीज़ों का मिश्रण किया गया है। सर, क्या मुंबई के लिए है या सभी देशों के लिए है? नहीं, सबके लिए है। ये तो हमने पहले ही लिखा है उसमें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। नहीं, वर्णन मैंने आपको जैसे बताया ना, डे टू डे लाइफ, हाउ टू लीव द लाइफ, हाउ टू लीव द हैप्पी लाइफ, ऐसा है कि पूरे जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, ये विचार पुष्पांजलि में लिखा गया है। आपको किस ढंग से जीना है? आज हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो आप व्हाट्सअप निकालेंगे तो दुनिया भर के मैसेज आपके दिमागों में आते हैं तो आपका दिमाग ही उड़ जाता है, तो उसको मैंने एक पुस्तक के रूप में छापा है, तो आपको अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज लॉन्च किया गया? इन्होंने कह दिया, फाइनल हो गया, किताब मिली ना आपको?
किताब मिली, आप किताब पढ़िए, आपको आनंद आए, मेरा यही बोलना है। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? मैं आपको व्यूअर को यही बोलूँगा कि भाई आप किताब जो निःशुल्क है, अगर कोई भी मुझे लिखेगा, मेरा ईमेल है, मेरा मोबाइल है, कोई भी लिखेगा तो मैं उसे मुफ्त में दूँगा। और मैं ये जीवन के लिए है, जीवन अच्छे ढंग से जीना चाहिए। आज जो फ्रस्ट्रेशन है नवयुवकों को और बच्चों को परिवार में, वो जाना चाहिए, ये मेरी अभिलाषा है, इसीलिए मैंने लिखा तरफ से। और ये बहुत सुपर डुपर प्रोग्राम हुआ, इसके अंदर में मम्मी जी के लिए एक बुक प्रकाशित किया गया है, तो बुक भी बहुत बढ़िया थी। एंड उसमें पापा जी ने मम्मी जी के साथ जो लाइफ में उनके इंसिडेंट्स हुए हैं उसको इसमें उन्होंने प्रकट किया हुआ है, और लाइफ के कुछ मोटिवेशनल चीज़ें जो हर बंदे को अपने लिए करना चाहिए वो सब चीज़ें इस बुक के अंदर में दी गई हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग ये बुक हर रात को एटलीस्ट एक एक पेज पढ़े, और इससे आपको नॉलेज और बढ़िया मिलेगा। और बुक का नाम है विचार पुष्पांजलि। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपनी भाभी माँ को कोटी कोटी साधुवाद और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये विचार पुष्पांजलि एक बुक नहीं है, ये आदर्श है। और ये आदर्श विजय शुक्ला जी ने जो दिखाया मार्ग है, ये तो थोड़ा सा मुझे और पता होता तो मैं अनिवार्य करता पिता पुत्र आना जरूरी है। जो अपनी आत्मकथा और आत्मशक्ति और आत्मप्रेम जो इसमें उन्होंने लिखा है, एक एक शब्द बहुत ही उत्तम है, अतुल्य है। ये सब बहुत इसमें अपनी जान, और उन्होंने आपने सुना होगा जब स्वामी जी कह रहे थे तो हमारे भैया रो पड़े थे, तो इतने इसमें आत्मकथन किए गए हैं। और जितना बेबाक और सही इसमें लिखा गया है ये और कोई लिख नहीं सकता, और हमारे समाज को ये के दर्पण है। और मुझे गौरव है कि विजय शुक्ला जी ने हमारे समाज के लिए एक दर्पण, एक आईना प्रस्तुत किया है, और हमारे बच्चों को एक तो चीज़ अच्छी सिखाई है। देखिए ऐसा है कि मैं अपने जीवन में अनेकों पुस्तक के विमोचन में गया हूँ, लेकिन जो आज का कार्यक्रम है एकदम अद्भुत था। इस कार्यक्रम में श्री विजय शुक्ला जी ने जो अपने धर्मपत्नी के नाम पे, मतलब श्यामला देवी के नाम पे जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसमें मैंने देखा कि श्री राम नाईक जी ने जो शुक्ला जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे उसी के विषय पर श्री राम नाईक जी ने थोड़ी टिप्पणी की है। ऐसा कोई नहीं था जो हाल में जिसके आँख में आंसू ना आए। ये मैं इस पुस्तक को मैं चाहूँगा कि मैं इसको पूरा पढ़ूँ, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, पहली बार ये पुस्तक मुझे मिली है, मैं इसको आप पूरा पढ़ूँगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा किसी ने अपने धर्म पत्नी की याद में ऐसा एक पुस्तक का विमोचन करवाया, और मैं विजय शुक्ला जी बधाई के पात्र हैं। मैं राम नाईक जी का भी बहुत आदर करता हूँ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, बहुत बहुत धन्यवाद।